अगर डोमिनोज जैसा ब्रांड ऐसा करने लग जाए तो मैं किसी और ब्रांड से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, आप मेरे को बताओ। नहीं ठीक है भाई, आप नया प्रोडक्ट ला रहे हो वो सब तो ठीक है, भाई अपना मेन्यू पूरा का पूरा डोमिनोज ने चेंज ही कर दिया यार। एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो गया था, पहले ये सबको रखते हैं भाई, रखू कहा जगह ही नहीं है, क्योंकि मैंने हर एक प्रोडक्ट मतलब हर एक फूड आइटम मैंने ऑर्डर कर लिया यार, जो जो डोमिनोज ने नया लॉन्च करा है वो तो ठीक है भाई, डोमिनोज ने चीज बस्ट का भी फ्लेवर्स ला दिया, मतलब तीन अलग अलग फ्लेवर्स, तीन ये तो मीडियम साइज चीज बस्ट पिज्जा, तीन अलग अलग चीज बस्ट पिज्जा। सबसे पहले भाई पिज्जा ही निकालते हैं, ये देखो भाई ये तीन पिज्जा ही पूरा वीडियो कवर कर ले रहा है। ये है भाई स्पाइस्ड डबल चिकन, ये देखो मीडियम साइज चीज बस्ट बेस के साथ। ये है ओहो पेपी पनीर, भाई ऐसा चीज बस्ट दिए हैं, अंदर से फिका रहा, देखो फट के निकल रहा है, चीज बस्ट फट के निकल रहा है। और ये है आई थिंक डबल चीज मार्गरेटा, खुल जा मेरा भाई, ये डबल चीज मार्गरेटा, बाप रे बहुत हैवी है यार, जो नया चीज बस्ट का जो फ्लेवर आया है डोमिनोज का शायद बहुत ज्यादा हैवी होगा। चलो ठीक है, पहले ये सबको रखते हैं एक साथ। ये तीनों पिज्जा को तो मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ पर एडजस्ट करा है, अब बाद बाकी सामान सब निकालते हैं यार। ये है भाई चिकन पेपरोनी स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, ये है भाई पनीर टिक्का स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, या फिर नॉर्मल वाला होगा देखने दो, ये है पनीर टिक्का स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड है भाई, और ये है भाई नॉर्मल, ये भी पनीर टिक्का स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड लग रहा है यार, चलो खाते खाते पता करेंगे भाई, ऐसे तो पता चलेगा। ये है भाई चीजी मीट बॉल्स, इसका शक्ल देख लो प्रेजेंटेशन के बाद शायद ही ऐसा शक्ल लग सकता है। ओए ऐसा ऐसा रख दो भाई ऐसा, ओहो हो हो भाई ओहो तो मैंने कर दिया, पता नहीं क्या है ये चिकन फिएस्टा करके कुछ है भाई, मैंने इतना कुछ भाई ऑर्डर तो कर लिया है पर रखूं कैसे, मतलब रखूं कहां वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। चिजिकन डोमिनोज का नया चिजिकन, सुने भाई पहली बार, ये देखो भाई राइस वाला कॉम्बो निकाले है डोमिनोज, और इसीलिए तो मैं शॉक था भाई, अपना मेन्यू डोमिनोज ने पूरा चेंज कर दिया है, चेंज CHANGE। ओहो ये देखो ये भी सेम ही है, बस इसका जो ये वाला है ना ये फ्लेवर थोड़ा सा अलग है। हाँ भाई भरोसा कर लो प्लीज, और इस वीडियो को एक लाइक कर देना भाई, ये जगह नहीं है मैं साइड में ही रखता हूँ क्योंकि सच में जगह नहीं है यार सच में। एक और भाई राइस वाला आइटम है, तीन फ्लेवर में डोमिनोज ने लॉन्च करा है और मैंने तीनों के तीनों फ्लेवर ही ऑर्डर कर दिए। ओहो ये देखो इनका स्लोगन बोर्ड, डोमिनोज चिजिकन वेयर चिकन मीट्स चीज, ये देखो अगर दिख रहा है तो, और इसका शक्ल कुछ ऐसा है, सारा सेम ही शक्ल है यार। और इधर अपने पास छुटकू सा चोकोलावा केक, जो मेरे को 77 रुपीज का पड़ा, अभी दिवाली ऑफर चल रहा है। हाँ यार आप सभी को हैप्पी दिवाली, शायद ये वीडियो अपलोड होते होते दिवाली पार हो जाएगा, उसके लिए सॉरी, बट हाँ अभी तो दिवाली है ना, हैप्पी दिवाली। ये देख लो भाई चोकोलावा केक, इसको यहाँ से साइड कर देते हैं बस। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्या है, सॉसी मीट बॉल्स ट्राई करते हैं, सॉसी बॉल्स ट्राई करते हैं, सॉसी मीट बॉल्स। इसमें गार्लिक का गजब फ्लेवर आ रहा है, और डोमिनोज वालों ने इतना ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड चीज सब लॉन्च करा है जिसको याद रखना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, बट कोई नहीं, टेस्ट बहुत गजब है इसका, ये मीट बॉल्स का मन करा सब खा जाओ, बट खैर थोड़ा सा रुकते हैं। ये क्या चीज़ है यार, ये देखो भाई, मैं देखो जो भी फ्लेवर्स वगैरह है मेरे को अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं एडिटिंग के टाइम पे आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, ठीक है भाई साहब। ये चिकन देखो कितना ज़्यादा टेंडर है, ये देखो ये आई थिंक रुको देखने दो, भूख तो अपने को इतना भयानक लगा, डोमिनोज के नाम से भूख तो ऐसे ही बढ़ जाता है। ये गार्लिक ब्रेड खाते हैं, देखते हैं क्या सीन है इसका। ओहो पनीर टिक्का स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, और ये देखते हैं भाई इसमें से कौन सा चीज बस का फ्लेवर है इसमें, पहले खाते हैं उसके बाद टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये
एक चीज खा रहा हूँ तो मन कर रहा उसमें इंडल्ज हो जाऊँ और उसी को खाते रहूँ। फिर याद आ रहा है नहीं भाई सबको टेस्ट करना, इसलिए मैंने बहुत मतलब हद से ज्यादा कुछ मंगा रखा है। इतना कि दो पैकेट इधर भी है जो मैं यहाँ पर रख नहीं पाया हूँ भाई, इतना कुछ मैंने मंगाया है। यह है फियरी वाला चीज बस्ट बेस, फियरी वाला। अब ये देखते हैं, ओह ये है मक्खानी वाला, ये नॉर्मल कॉर्न एंड हैलपीनियो वाला गार्लिक ब्रेड आता है ये वही वाला है। मखानी नहीं, ये है कोरियन स्वीट चिली। इसका ओह गिर रहा इसका ये जो कलर है इससे पता चल गया। कोरियन स्वीट चिली मेरे को बेस्ट लगा चीज बस्ट बेस में जो फ्लेवर है। हाँ, देखो डोमिनोज ने क्या करा है कि हमें पहले नॉर्मल चीज बस्ट का चीज बस्ट बेस का ऐसे ऑप्शन मिलता था, अभी चीज बस्ट नॉर्मल वाला तो है ही, साथ में कोरियन स्वीट चिली, फियरी वाला कुछ है और एक मखानी करके। चीज बस्ट ने तीन अलग फ्लेवर ही लॉन्च कर दिए हैं, तो ये मेरे को कोरियन स्वीट चिली वाला ज्यादा अच्छा लगा। ओहो चीजी डिप तो एक्स्ट्रा ही ले रहा हूं मैं। अब ये तीसरा गार्लिक ब्रेड ट्राई करते हैं जो कि है चिकन पेपरिनी वाला, जो है चीज बस्ट मक्खनी फ्लेवर। ओहो ये देखो, अरे हाय गिर जाएगा ये तो। ओहो इस पेपरिनी बहुत मुश्किल से लटक लिया है ना, तो ये गिर जाता, तो इतना जब रिस्क लिया है तो ये रिस्क टेकर को मैं खा लेता हूँ। ये मक्खनी चीज बस्ट फ्लेवर, बस दिवाली का टाइम हो और ऐसा खाना हो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है यार। डोमिनोज का जो गार्लिक ब्रेड था वो ऐसे अपने में नेक्स्ट लेवल होता है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट में बताना, वैसे कमेंट में आप लोग बहुत कुछ बताते हो, मैं उसके बारे में बात करूंगा आगे। रुको डोमिनोज का गार्लिक ब्रेड ऐसे ही सारे ब्रांड से बहुत यूनिक होता है और बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। ये जो चीज बस्ट का फ्लेवर इन्होंने ऐड करा है, मतलब बहुत कोई को हो सकता है नहीं अच्छा लगेगा और बहुत कोई को ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो मैं वो कैटेगरी में हूँ कि जो मखनी चीज बस्ट है और हॉट एंड फियरी है ये मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है अगर कोई फ्री में खिला दिया तो मैं खा लूंगा, बट कोरियन स्वीट चिली वाला चीज बस मेरा फेवरेट क्रस्ट है, क्रस्ट बोल लो या फिर क्या बोलते हैं उसको। तीनों ही गार्लिक ब्रेड हो गया है, इसको साइड कर दिया है, चीजिकन भी हो गया है। अभी ये पिज्जा में आते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि चीजिकन राइस पहले ट्राई कर लूँ या फिर पिज्जा ट्राई करते हैं। पहले पिज्जा ही ट्राई करते हैं यार, सबसे पहले ये नॉनवेज वाला ट्राई करते हैं जो कि स्पाइस्ड डबल चिकन। मैं देखता हूँ कि इसमें मैंने क्या चीज बस्ट करवाया है, देखते हैं देख के पता चलता है कि नहीं। ये है मखनी फ्लेवर शायद, स्पाइस्ड डबल चिकन मीडियम साइज चीज बस्ट बेस मीडियम साइज स्लाइस, पता नहीं कितना कुछ बोल रहा हूँ यार। ये मखनी नहीं है, ये क्या है क्या है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बट जो भी है स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा उसके साथ ये जो स्पाइस डबल चिकन है वो उतने अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रहा है, मेरे को मतलब मजा नहीं आया। नॉनवेज में स्पाइस डबल चिकन मेरा पर्सनल फेवरेट है, बट ये जो चीज बस्ट बेस के साथ वो अच्छा नहीं लग रहा। आई थिंक ये हॉट एंड फियरी, आई थिंक ये कोल्ड ड्रिंक पीते पीते मैं प्रीवियस वीडियो का एक कमेंट सेक्शन का मतलब बात करना चाहता हूँ कि मेरे को अब ये समझ में नहीं आता कि लोग जब कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कॉपी ऑफ दिस कॉपी ऑफ दैट, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि क्या वो जेन्युइनली लिख रहे हैं या फिर सिर्फ लाइक्स कमाने के लिए लिख रहे हैं, लाइक्स हो या फिर इम्पोर्टेंस हो। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने थंबनेल पोस्ट करा भाई, हर एक प्रूफ दिया आपको, अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं हो रहा तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई, मैं हर एक अपडेट देता हूँ वहाँ पर ही। मैंने वो वीडियो बहुत पहले रिकॉर्ड कर लिया था, उसके बाद मैंने बोला था मैं परसों निकल रहा हूँ कोलकाता, और आप देख लो भाई जब मैं कोलकाता जा रहा था मैंने प्रॉपर स्टेटस वगैरह अपडेट करते रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हो कि मैंने कितना कॉपी करा और किसका किसका कॉपी करा है। भाई कॉमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लो, अब मेरे को इतना देखो भरोसा हो गया है कि जो लोग कॉमेंट करते हैं कॉपी ऑफ दिस कॉपी ऑफ दैट करके वो सिर्फ और सिर्फ लाइक्स और इम्पोर्टेंस के लिए करते हैं, इतना मेरे को प्रीवियस वीडियो समझ में आ गया। यह पेपी बनीज, इसमें है चीज बस्ट आई थिंक वही जो मेरा फेवरेट है। हाँ 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 वही, ये देखो देखो ये देखो,
इनका थोड़ा थोड़ा पोर्शन टेस्ट करने में ही पेट भरने वाला है भाई, इतना हैवी हैवी चीज है ये सब। ये देख रहे हो लाल लाल कलर, यही है कोरियन स्वीट चिली चीज पर, जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल हो रहा है यार। चीजी डिप का बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैसा खर्च हुआ है बोल के मैं डिप कर रहा हूं। अभी खाते हैं डबल चीज मार्गरिटा, जिसमें मैंने करवाया है मखनी चीज बस्ट। ये देखो भरोसा नहीं हो रहा है, ओहो बाप रे। खाते हैं भाई डबल चीज मार्गरिटा को, फर्स्ट टाइम एवर मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैंने डबल चीज मार्गरिटा का रेड मार दिया है। डबल चीज मार्गरिटा को बर्बाद कैसे करते हैं वो आप सौरभ भाई से सीख लेना। ये देखो अंदर आपको सॉस दिख रहा है, ओहो क्या है क्या है, इसके वजह से जो ये मार्गरिटा है वो एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा है यार। यही चीज ठीक है यार, ये चिकन चटीनाड का पिज्जा खा रहा हूं लग रहा। पिज्जा भी हो गया है, अब राइस सबको टेस्ट करते हैं। साला तीन अलग अलग वैरायटीज का राइस है, इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा चिली फ्लेक्स वगैरह डाला हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ से ऐसे ग्रेवी निकालते हैं। मतलब आप लोग कभी इमेजिन कर सकते हो कि डोमिनोज मेन कोर्स ऐसे राइस वाला आइटम निकालेगा? थोड़ा थोड़ा है भाई, उसी को टेस्ट कर लेते हैं भाई। बहुत टैंगी है यार, पता नहीं कौन सा फ्लेवर का है यार। अच्छा ये सर टैंगी टोमेटो होगा, टैंगी लग रहा है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक और बार ट्राई करें, देखते हैं एक बार चिकन के साथ, क्या पता थोड़ा बहुत अच्छा लगे। ऐसा इनका बटर राइस है, राइस क्वालिटी A1 है, बट ओवरऑल टैंगी टोमेटो चिकन राइस बिल्कुल भी मत लेना यार, बहुत टैंगी है, बहुत टैंगी। दूसरा राइस को टेस्ट करते हैं, ये पता नहीं भाई कौन सा है, देखते हैं इसको टेस्ट करके। ये शायद मखनी या गार्लिक, हाँ ये गार्लिक वाला है। टैंगी टोमेटो से मतलब ठीक है, बट ये ओकेइश है। राइस बहुत अच्छा है यार, ये चिकन राइस वाला सीन जो है वो मुझे पसंद नहीं है यार, अच्छा नहीं लगा। अब एक लास्ट फ्लेवर ट्राई करते हैं, ये भी साला गार्लिक लग रहा, देखते हैं क्या है। डोमिनोज वाले अगर कोई भी आप देख रहे हो, अगर कोई भी अगर देख रहे हो और आगे तक बात पहुंचा सकते हो, तो प्लीज एक सजेशन मेरा जरूर मान लेना कि जो चिकन राइस का जो सेगमेंट है प्लीज इस पर थोड़ा सा वर्क करो यार, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब होगा अच्छा बट इंडियन टेस्ट बड के हिसाब से नहीं है, क्योंकि राइस साथ ऐसा फ्लेवर कोई इंडियन नहीं खाना पसंद करेगा, ये तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ट्राई कर लो भाई, क्या पता बंद हो जाए नहीं हो जाए ये सेगमेंट, कि बट ट्राई कर लो, यूनिक है बट मुझे अच्छा नहीं लगा यार। देखते हैं और फूड ब्लॉगर और फूड क्रिएटर जो है वो लोग इसका क्या रिव्यू देते हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो भाई मेरे को डोमिनोज में सबसे 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 बेस्ट लगा है जो ये न्यू लॉन्चेस आया उन सभी में। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे कोरियन स्वीट चिली चीज बस मुझे सबसे नेक्स्ट लेवल लगा, जो मैंने पनीर में करवाया है, तो इसका एक स्लाइस तो मैं और एक खाऊंगा ही। अगर आपका पर्टिकुलरली मेरे जैसा टेस्ट बर्ड्स है, मेरे जैसा टेस्ट बर्ड्स है, थोड़ा सा इटालियन वाला फील आपको चाहिए पिज्जा में, तो मैं बोलूंगा कोरियन स्वीट चिली आप लोग ट्राई करो। अदरवाइज आप हॉट एंड फियरी जो है, उसके बाद क्या था मखानी फ्लेवर जो है, वो सब ट्राई कर सकते हो। अरे हाँ, अरे यार मैं तो बताना ही भूल गया कि जब मैं ये पूरा ऑर्डर कर रहा था तो अपना बिल हुआ
3,500 के आसपास, 3,300 या 3,400 के आसपास हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा भाई इतना ज्यादा बजट भाग रहा वीडियो का, तो जैसे ही मैंने स्क्रॉल डाउन करा 750 रुपए का कूपन कोड दे रहा डोमिनोज, मतलब दिवाली गिफ्ट दे दिया। तो अब ये मेरा ऑर्डर 2500 के आसपास पड़ा है, 2500 कुछ रुपए पड़ा है भाई। थैंक यू सो मच डोमिनोज, थैंक यू सो मच भाई, 750 रुपए का डिस्काउंट डिस्काउंट देने के लिए। देखो कैसे हकबका जा रहा हूँ। तो अब आते हैं भाई चौको लावा केकी पे। केकी मैं रेड वेलवेट ही लेता, बट भाई इतना ज़्यादा बिल हो गया था तो कैसे लेता, क्योंकि रेड वेलवेट 145 का होता है, चौको लावा होता है 130-125 का, बट आज जो है चौको लावा मिल रहा था 77 रुपीज़ का। कहीं ये लोग 77 रुपीज़ के हिसाब से तो नहीं बनाए हैं? बहुत टाइम से हो रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है चौको लावा का जो सीन है वो थोड़ा सा डोमिनोज वालों ने कुछ तो किया है, क्योंकि जो इसे क्वालिटी है थोड़ा डाउन हुआ है। क्योंकि पहले का चौको लावा भाई बहुत गजब हुआ था, और अभी का चौको लावा बहुत गजब हो गया है डोमिनोज के हिसाब से। भाई ये सारी चीज़ों को टेस्ट करने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आया है कि मुझे जो डोमिनोज जिसका फेवरेट ब्रांड है, जिसको डोमिनोज को हर एक चीज अच्छा लगता था, बट इस बार हैप्पी दिवाली बोल रहा है, तो इस बार मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज उनका पसंद आया है न्यूली लॉन्च्ड में, और वो है कोरियन स्वीट चिली चीज बस जो बेस दे रहे हैं। मैं आज इतना फंबल क्यों कर रहा हूँ यार? आप मेरे को बताओ, अगर आपने न्यू मेन्यू ट्राई करा है डोमिनोज का, आपको सबसे बेस्ट क्या लगा? और अभी तक आपने नहीं ट्राई करा है तो मैं तो आपको इतना ही बोलूंगा कि चीजी चिकन, मतलब चीजी चिकन बोल रहा हूँ, क्या नाम है यार इसका, चीज़िकन, हाँ चीज़िकन राइस वगैरह मत ट्राई करना भाई, टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बना है। आपको अगर ट्राई करना मेरे हिसाब से तो कोरियन स्वीट चिली चीज़ बर्ड्स ले लेना और पेपी पनीर मंगवा लेना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दे, नीचे कमेंट करके बताओ भाई आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि हर एक वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नीचे आप आराम से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।